करते मुखिया आदरणीय प्रीति जी, उनके सहयोगी और प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे मनोज जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक, पूर्व मंत्री और लोकसभा के संयोजक पूरे बिहार के आदरणीय जिवेश कुमार जी, पूर्व मंत्री हैं हमारे आपके बगल के, और लंबे समय से इस इलाके की सेवा कर रही आदरणीय माननीय विधायक आदरणीय अरुणा देवी जी, यहाँ पर उपस्थित गर्भू बाबू की पत्नी माता तुल्य आदरणीय चेता देवी जी, उनके पुत्र, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला के प्रभारी नवीन केसरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय मुन्ना जी, और इस गांव में उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, छोटे छोटे बच्चों, आज हमारे महापुरुष हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बारे में कार्यालय में लोगों ने बताया कि वो बिना चप्पल के भी पूरे इस इलाके में घूमते रहते थे और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का सपना देखते थे, और ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता जो झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी का घूमते थे और कहते थे इस देश में नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, और नहीं चलेगा दो प्रधान। इसको 75 वर्ष लगे साथियों, 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत का सपना देखा था, और आज से 2300 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माध्यम से देश में अखंड भारत का सपना देखा, और इसको सर जमीन पर उतारने का कभी काम हुआ तो पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने, जो आज भारत देश के 3 गुना भारत बनाया, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज का ओमान, आज का ईरान, इराक, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, सब हिंदुस्तान है। बाद में अंग्रेजों ने हमारे कई टुकड़े किए, कभी अफगानिस्तान अलग किया, कभी पाकिस्तान अलग किया, कभी बांग्लादेश अलग किया, कभी लंका अलग किया, कभी नेपाल अलग हुआ, हमारे कई टुकड़े, लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश में संकल्प लिया कि हम अखंड भारत की कल्पना करेंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक होगा, यह सपना देखा, और सरदार पटेल ने इसको उंगली जमा पहनाने का काम भी किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अखंड भारत में सेंध लगाने का काम किया और 370 उसमें लगाकर इस देश से कश्मीर को अलग कर दिया, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को आपके माध्यम से विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जब 2019 में आपने एक अपार बहुमत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बैठाया तो 370 को खाकर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया शासन, ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत, और यही गर्भू बाबू चाहते थे इस देश में नहीं रहे कोई दूसरा विधान, नहीं रहे कोई दूसरा निशान, ना रहे कोई दूसरा प्रधान, और राम तो हमारे मन में बसते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा होती होगी आपके, और लोग चिंता करते थे 450 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे साथियों कि कोई गंगा, जिस तरह मैया गंगा को धरती पर उतारा भगीरथ ने, उसी तरह इंतजार कर रहे थे कि कोई प्रभु श्री राम को भी, जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं, टेंट से निकालकर कोई भक्त राम मंदिर में ले जाए, वो दिन भी पूरा होने वाला है। 2024 के 14 जनवरी को हम सब लोगों को न्योता देते हैं कि आप आइए और भव्य राम मंदिर में अयोध्या में चलकर पूजा करने का काम कीजिए साथ।
इसलिए इस देश में अब लोग कहते हैं कि राम भगवान ही सांप्रदायिक है। बताइए, जिस व्यक्ति ने अपने सगे पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा हो, वो व्यक्ति सांप्रदायिक हो सकता है? हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले पेज पर प्रभु श्री राम को जगह दिया, इसलिए कि वो मर्यादा के राम थे, मर्यादा के हिंदुस्तान के राम, भगवान राम थे। और आज भी आप चले जाइए इंडोनेशिया, आप चले जाइए थाईलैंड, आपको पता चलेगा कि वहां कोई हिंदू नहीं रहता। इंडोनेशिया में मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि हमने धर्म बदला है, राम तो हमारे पूर्वज थे, हमारे पिता थे, हम उनको आज भी पूजा करते रहे। इसलिए आज बहुत खुशी हुई कि हमारे महापुरुष, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता प्रभु महतो जी के जो मूर्ति का अनावरण करने का मौका आप लोगों ने हमको दिया, इसके लिए अनिल जी को, यहाँ की जो मुखिया है उनको, प्रीति यादव जी को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ। आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि गर्भ महतो जी के मूर्ति का अनावरण करने के लिए मैं आ सका, विशेष धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक आग्रह करता हूँ कि 2 अप्रैल को आदरणीय देश के गृह मंत्री लौह पुरुष, जो देश को मजबूती के साथ खड़ा करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और संगठन को आगे खड़ा करने का काम कर रहे हैं, हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप तमाम लोग 2 अप्रैल को आईटीआई मैदान जो हमारा हिस्सा में है उसमें आइए, इंटर विद्यालय में आकर आप तमाम लोग लाखों की संख्या में जुटे और इस देश में तय कर दीजिए कि 2024 के चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में बिहार से हम 40 की 40 सीट जिताकर दिल्ली भेजने का काम करें शासन। इसलिए हम यही आग्रह निवेदन करते हुए, कई और कार्यक्रमों में जाना है, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने जिस तरह उत्साह दिखाया, गर्भ महतो जी के चरणों में पुष्प अर्जित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।